हेलो दोस्तों, तो हम आज देखेंगे क्लास टेंथ अनसॉल्व का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ गया है, देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की यात्रा एक समान चाल से तय करती है। कितने? 300 किलोमीटर की यात्रा। तो दूरी जो दी गई हमको कितनी दी गई है? दूरी बराबर दी गई हमको 300 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए फिर क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। तो हमको चाल तो पता नहीं है क्वेश्चन में, तो कह रहा कि यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो क्या मान लेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल यक्स मान लेते हैं। क्या मान ली? यक्स। तो देखिए, दूरी दी गई है 300 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दी गई है मैंने यक्स मान ली, तो क्या होता है? समय बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी गई है हमको? 300 किलोमीटर, और चाल कितनी दी गई है? यक्स। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया, यानी T1 बराबर आ गया 300 बटे यक्स, यानी T का मान समय, टाइम। तो T1 बराबर आ गया 300 बटे यक्स। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। तो देखिए, रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति आवर की दर से वृद्धि करने पर, तो क्या कर दिया? वृद्धि। तो चाल कितनी थी? यक्स थी। तो कितनी हो जाएगी? यक्स प्लस 5, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ानी थी हमको, तो क्या कर दी? यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूरी जो थी वह सेम थी, तो फिर T2 बराबर निकालेंगे, यानी समय दूसरा, तो दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी गई है हमको? 300 बटे समय कितना दिया गया, ये वाला लिख लेंगे यक्स प्लस 5। ये बन गया फर्स्ट, ये बन गया सेकंड। अब देखिए क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन कह रहा है, पहले इनको लिख लेते हैं। तो 300 बटे एक्स बराबर 300 बटे एक्स प्लस 5। अब देखिए क्या कह रहा है, तो वह यात्रा पूरी करने में 2 घंटे समय कम लेता है। तो देखिए लेती है, तो कम लेती है 2 घंटे समय। तो देखिए इसमें अगर कह रहा है कि इसमें कम लेती है, लेकिन इसमें कम नहीं करेंगी, इसमें उल्टा हो जाता है। कम हम इस वाले समीकरण में करेंगे, पहले वाले में, ना कि इसमें। तो इसमें मैंने क्या किया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। अब देखिए 300 बटे एक्स, अब देखिए ये प्लस का है तो इधर ले आएंगे, तो माइनस का 300 बटे एक्स प्लस 5। अब देखिए यह माइनस का 2 है, इक्वल के उस साइड भेज देंगे तो प्लस का 2। अब इससे 300 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बटे यक्स माइनस, यहाँ भी 1 बटे यक्स प्लस 5 बराबर माइनस का 2। अब देखिए 300, अब एक्स और एक्स प्लस 5 एलसीएम ले लिया, यानी ये पूरा एलसीएम ले लिया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यक्स प्लस 5 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का यक्स बराबर 2। अब देखिए यक्स से यक्स कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा? 5 बचा, और यहाँ पर क्या बचा? 300। तो 300 को गुणा 5 में कर देंगे तो आ जाएगा 1500 बटे, यहाँ पर क्या है? यक्स का गुणा इसमें करेंगे तो यक्स स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, एक्स का गुणा 5 में करेंगे तो 5x बराबर क्या है? 2। देखिए 1500 बराबर, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2x² प्लस 2 × 5 = 10x। अब देखिए 2x² प्लस का 10x, और ये देखिए प्लस का 15, जब इक्वल के उस साइड भेज देंगे तो माइनस का 1500 = 0। अब इससे 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x² प्लस 5x माइनस 750 = 0। अब ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये इसका काम खत्म। यहाँ पर क्या बचा? x² प्लस 5x माइनस 750। तो देखिए x² प्लस 5x माइनस 750 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए x² प्लस 5x
माइनस 750। देखिए हम क्या करेंगे कि गुणा करने पर 750 आए और घटाने पर आए 5x। तो देखिए यदि हम 30 में 25 घटा दें, क्या घटा दें, तो 5x बचेगा। यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो 750 हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 30 माइनस 25 एक्स माइनस 750। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 30x प्लस माइनस माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 25x माइनस 750। आप लोगों को गुणनखंड करना तो आता ही होगा। x इससे x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 30, और यहाँ से माइनस 25 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 30। तो देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा x प्लस 30, x प्लस 30 एक साइड लिख लेंगे और x माइनस 25 एक साइड। तो देखिए जो माइनस का होगा इसके इक्वल के जीरो के बराबर रखेंगे, तो एक्स माइनस 25 है इक्वल जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा, ये माइनस का 25 उस साइड जाएगा तो प्लस का 25। देखिए यहाँ पर सब में जीरो है, यहाँ भी जीरो था तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, तो यहाँ भी जीरो ही रहेगा तो एक्स बराबर आ गया 25। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करूंगा कि आज के इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।